मैं श्रीपालन भाई और बहनों, यूट्यूब के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन मेजर कार्प मछलियों जैसे कि रेहू, कतला, मृगल के बाद एक और मेजर कार्प मछली है कालबोस, जिसका वैज्ञानिक नाम है लैबियो कालबासु। जैसे रेहू का नाम है लैबियो रोहिता, रेहू के अन्य प्रजातियाँ भी हैं जैसे लैबियो पाटा, लैबियो क्यूब्रिएटस, उसी तरह से लैबियो कालबासु है। लैबियो कालबासु को स्थानीय लोग कालबोस बोलते हैं, कहीं कहीं इसे कालिया बोलते हैं, कहीं कहीं को ब्लैक वेल बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको मसाड़ी बोलते हैं, कई नाम है। यह ज़्यादातर काले रंग की होती है, इसका जो ऊपर का भाग है वो ज़्यादा काला होता है और पेट का भाग कम काला होता है। यह मछली थोड़ी धीमी गति से बढ़ती है, पर इसका जो मांस है उसका स्वाद काफ़ी ही स्वादिष्ट है और बहुत लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। कालबोस मछली का जो बीज होता है, जो छोटे बच्चे उसके होते हैं, वो बहुत ही बिल्कुल ही काले रंग के होते हैं। इसके कारण आजकल इसका एक्वेरियम फिश के रूप में भी प्रचलन बढ़ गया है। कालबोस मछली तालाब के तल में रहती है और तल के शैवाल हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, घूंगे हो गए या छोटे छोटे पौधे हुए, मिट्टी है, बालू है, ये सब खाती है। एक तरह से कालबोस मछली को तालाब में रखने से तालाब के तल की सफाई होती रहती है। पता नहीं किस कारण से मिश्रित मत्स्य पालन में कालबोस मछली इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सका और कई किसान भाई इसके बारे में जानते भी नहीं। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जिस हैचरी से या फार्म से आप मछली का बीज लेते हैं, अवश्य ही वहाँ अनुरोध करके आप कालबोस का भी बीज अपने तालाब में डालिए। रेहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प के साथ साथ कालबोस मछली भी रहेगा तो अतिरिक्त आमदनी आप मिलेगी। कालबोस मछली के लीवर में जो तेल होता है उसमें विटामिन ए बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है और उसके कारण इसकी मांग भी है। यह तालाबों, नदियों में मिलती है और स्थिर पानी में भी इसे प्रजनन करते हुए देखा गया है। उदाहरण स्वरूप रांची में एक ध्रुवा जलाशय है, वहाँ पर इसके बच्चे मिलते हैं, इसका मतलब है कि उसमें प्रजनन होता है। या नहीं तो जो नदी जुड़ी हुई है सोनरेखा नदी, उसमें प्रजनन होता होगा और इसमें बच्चे संचय हो जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से भी इसका बीज उपलब्ध रहता है और प्रेरित प्रजनन से भी इसका बीज को तैयार किया जाता है। कालबोस मछली का जो पंख है उसमें हल्का हल्का नारंगी रंग रहता है, जिसके कारण इसे ऑरेंज फिन लैबियो या ऑरेंज फिन रेहू भी कहा जाता है। यह मछली आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी लाभदायक है, इसका रेट अच्छा मिलता है। बढ़ने की गति थोड़ी धीमी है लेकिन स्वाद के कारण इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। यदि आप अपने तालाब में डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि फार्म से या मत्स्य कार्यालय से संपर्क करके कालबोस मछली के बीज का पता लगाएं और अपने तालाब में डालें, अधिक लाभ मिलेगा। आपको इस संबंध में और भी कुछ कहना हो या इस मछली का नाम आपके क्षेत्र में यदि कुछ चल रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरी जानकारी बढ़ेगी और लोगों की भी जानकारी बढ़ेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप मेरे वीडियो से लाभान्वित हो रहे होंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर करें।